वेलकम बैक प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब मैं आ गई हूँ कहाँ, हमारे उस बेहतरीन सेगमेंट में जिसका नाम है द किचन मास्टर सीजन टू। द किचन मास्टर सीजन वन को आपने जितना प्यार मोहब्बत अपनाइयत खुलूस और क्या क्या पसंदीदी का इजहार किया, तो हमने द किचन मास्टर सीजन टू आपके लिए बनाया। और रोज़ाना अभी तक के जो मराहिल हैं उसमें रोज़ दो कंटेस्टेंट्स आते हैं, एक जाते हैं घर एलिमिनेट होकर और एक आगे बढ़ रहे हैं। कल हमारे साथ ये हुआ है कि दोनों को, एक को आपने घर भेज दिया और एक को होल्ड पर डाल दिया, यानी कल कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, अभी उनके चांसेस बीच में हैं। तो देखते हैं कि आज के ये दो कंटेस्टेंट्स कितने पानी में हैं। कुरतुलैन और सादिया हमारे साथ हैं। क्या बात है भाई, बड़े बड़े ख्वाब हैं कुरतुलैन और सादिया के। और सलाम इनकी फैमिलीज़ को जो इतनी सपोर्टिव हैं, बच्चियों को यहाँ तक भेजा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब जो है वो वक्त बदल रहा है, और वक्त इतना बदल गया है कि हमारे साथ शेफ जलाल, जो मर्द शेफ पाकिस्तान में भी अब इजीली दस्तयाब है, और शेफ जलाल को इसीलिए हमने यहाँ पर जहमत दी है। जज हैं द किचन मास्टर सीजन टू के, सबा जी यहाँ पर मौजूद है, और मेरी प्यारी डॉक्टर विल्कीस भी सेट पर आ गई हैं जो हमें मज़ेदार टोटके बताती हैं। और आज हमने बात करनी है अच्छी स्किन की, एक्नी पिंपल वो जितने मसाइल हैं आज हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वो सेगमेंट मिस नहीं करना। अब आ जाएं जी शेफ जलाल, अच्छा आज चैलेंज क्या है? आज का इतने दिनों से हम करते आ रहे हैं, और हम कभी जिस तरह से लास्ट कल हमने एक प्लांट दिया था और उन्होंने मिस यूज किया, ठीक है, यूज ही नहीं किया, मतलब वो स्लाइस काट के एहसान कर दिया हमने। तो मेरे ख्याल से कुरतुलैन आप इस तरफ आए और आप उस तरफ जाएं। तो अब होगा ये कि अब आप लोग अपनी अपनी रेसिपीज बता दें। इनकी रेसिपीज पहले कुछ और थी। हाँ, अब पहले आप बना रहे थे कीश और ग्रीन मलाई बूटी। ग्रीन मलाई बूटी, और आप बना रहे थे बलोची टिक्का कढ़ाई एंड कुबानी का मीठा। ठीक है, तो आप बलोची टिक्का कढ़ाई बनाएंगी ये। हाँ, और इनकी रेसिपी जो थी वो बनाएंगी ये। बिल्कुल, आप लोग कर लेंगे ये इजीली, कर लेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। लग रहा है अच्छी बात है। ये जो डर लगाने वाले एक्सप्रेशंस है ना, यही मुझे देखना है, क्योंकि जिस तरह से मुझे पता चला है, जो आप लोग माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट में कलनरी आप लोगों ने स्टडी की है, और पेटिसरी की और कलनरी की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि फला चीज को मैं इस तरह सर्व करूंगी। मुझे लग रहा है, हाँ, बिल्कुल झटपट। राबिया, मुझे लग रहा है सादिया परेशान है। हाँ, सादिया के चेहरे से ये कॉन्फिडेंट है वो, जरा थोड़ा क्योंकि चले फिर एक काम करते हैं मैं मजाक कर रहा था, इसके लिए वॉलंटियर आए प्लीज। अच्छा, आप सीरियस नोट पर आप आए, ये बॉल रखें प्लीज। पॉट पैन आप लोग यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने हांडी देखी, ये अब आप लोगों के नसीब में जो भी बर्तन इसमें से निकलेगा, चाहे वो फ्राइंग पैन हो, पॉट हो, या तवा निकले, या कुछ भी निकले, आपने खाना उसी पे बनाना है। ये लो सादिया, ठीक है, रेसिपी तो उसने वही बनानी है ना, बलोची तिक्का ही। अब ये अपनी रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, तो वो मजाक था। मजाक कर रहे थे यार, ये जुल्म तो कहते हैं। जान में जान आ गई एक्चुअली। हम जालिम कौम हैं। सादिया के जान में जान आ गई। कुरतुलैन, इस कौम पे इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं कि कोई भी जुल्म वाली बात कह दे ना, तो वो यकीन आ जाता है कि यही होगा, यही होगा। अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि कैसे मुमकिन है। हम आदि हो चुके हैं, हमारे पास गैस नहीं आती, पानी नहीं आता, पानी खरीद के लाना पड़ता है, बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही, और सड़कें बन नहीं रही, तो हमें तो आदत हो गई है बुरे हालात में रहने की, शॉक्स मिलने की। उठाओ भाई, पूरा तुलान जो है ना राबिया, इसके चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस था। ये जुल्म आपको करना चाहिए था, मैं इसके हक में थी। चलो बेटा खोलो, क्या बर्तन निकल रहा है, तवा। तुम सिर्फ तवा यूज कर सकती हो। आपने जो भी रेसिपी बनानी है वो तवे पे बनानी है, ठीक है? और आपके पास क्या है? फ्राइंग पैन। अब आप ना पॉट यूज करेंगे, ना आप हांडी यूज करेंगे। ले जाओ भाई, ठीक है, ये रिमूव कर दे वॉलंटियर, और पॉट हटा दो भाई, और ये लो फ्राइंग पैन। दो किस्म के फ्राइंग पैन्स मैं आपको दे रही हूँ, आपको जो भी इस्तेमाल करना है इसमें से कर लें। हांडी भी मैं लेकर जा रही हूँ, तो जो आपकी रेसिपी की मांग थी वो हट चुकी है। अच्छा, कीश आपने सेलेक्ट की है, तो कीश बॉईल करना है, शुड बी कीश, ठीक है, इंशाल्लाह। कीश का मतलब समझ ना, उसका डो, उसकी परफेक्शन, और उसके अंदर जो फिलिंग आप करेंगे एग के साथ, और वो
टर्किश ही होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आपकी रेसिपी शुरू करवाते हैं। आपका कुकिंग का वक्त शुरू होता है अब, और अब हमारी बातों का वक्त शुरू हो जाता है। तो सबा जी मुझे ये बताएं कि आजकल खाने में कितनी स्पेसिफिक हैं कि भाई ये खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, और जो मेजर वेट लॉस है वो कैसे मुमकिन हुआ, बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी रोटी और चावल छोड़े नहीं थे। अच्छा, मीठे का मुझे इतना कभी से शौक नहीं रहा था, लेकिन मैं चाय दो मग पीती थी और दोनों वक्त बीच में मैं वाइट शुगर डाला करती थी। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो सबसे पहले तो मैंने चावल और रोटी और चीनी छोड़ी। अच्छा, इन तीन चीजों से और ये कितना अरसा छोड़ा आपने? मुझे तकरीबन एक साल तो हो गया। लास्ट ईयर जब आउटडोर में लास्ट ईयर आप लूज कर चुकी थी। हाँ, तो अब मैं जब आप छोड़ देते हैं ना, फिर जब आपको वो चीजें खानी भी पड़ती है ना, तो आप कॉन्शियस होकर खाते हैं। फिर पहले तो मैं बिला झिझक खाती थी, मजा आ रहा है तो दो दो तीन तीन रोटियां भी खा ली, चावल हाथ से खाना शुरू हुए, दाल चावल खाते चले गए। आपका मैदा आपको अलाउ भी नहीं करता, एक महदूद सब पेट भर जाता है। पेट भर जा, अब तो मैं इन चीजों में कॉन्शियस हूँ और मोहतात हूँ और मोहतात है, और अब मैंने वो स्टीलिया यूज करने शुरू कर दी। अच्छा, मुझे शुगर को तो जिंदगी से निकाल। मगर एक बात आपकी काटूंगा, मगर लाइफ के अंदर जब आप कार्ब लेस कर देते हैं, जैसे अच्छा कार्ब लेस नहीं किया मैंने, बीच में मैं जब खाती थी तो पोर्शन बहुत छोटा था। हाँ, तो फिर बाद में मेरे ख्याल से डॉक्टर इस बात पे मुझे सेकंड करेंगे। जाते हैं हाँ, फिर बाद में तो मैं नहीं भूली ना एकदम। हाँ, मैंने आपने तो माशाल्लाह मेंटेन किया हुआ है। मुझे ये बताएं, हम वेट लॉस को ना सिर्फ लुक्स तक देखते हैं कि जी वो इतनी मोटी थी या पतली हो गई या उसका चेहरा ऐसे हो गया, अंदर से जिस्म में क्या तब्दीली आती है, हेल्थ वाइज क्या तब्दीली आती है, स्किन पे, बालों पे, बहुत सारी चीजें, हर चीज पर फर्क पड़ता है। मैं पहले बहुत डिप्रेस हो जाया करती थी कि मेरे बाजू ना मोटे हो गए थे, बाजू यहाँ से उनकी शेप खराब हो गई थी, जाहिर है वेट ज्यादा था वो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा सो जाती थी तो मेरे फेस पर स्वेलिंग हो जाती थी और फिर ब्लोटिंग हो जाती थी, आंखें ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाती थी, रात लेट आई हूँ शूट से, सुबह उठी हूँ तो आंखें चुन्नी चुन्नी हो जाती थी। चुन्नी आंखें। जब से मेरा वेट कम हुआ है तब से ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। एक इधर एक जो गोश्त होता था नहीं, और उसकी वजह भी तो होता है ना, वो मोटापे का आपकी कमर ऐसी हो जाती है, कमर ऐसी हो जाती है, फिर आप खराब हो जाता है, आप स्टेयर्स चढ़ना उतरना मुश्किल, कोई चीज कोई झुकना उठना, हर चीज में प्रॉब्लम हो गई थी। और जब ये प्रॉब्लम होती थी तो सबसे पहले मेरा मूड ऑफ होता था, जब मुझे पता चलता ना ये वेट की वजह से हो रहा है और मैं कर नहीं पा रही थी उससे मैनेज, लेकिन मेरा मूड ऑफ होता था। तो उसका तो कोई, आपको सोचे कि आपका मूड खराब हो गया तो उसका तो नुकसान का कोई क्या कहना चाहिए, बदल ही नहीं है ना जब आपके मूड खराब हो जाए। लेकिन जब से मेरा वेट कम हुआ है तब से ये सारी चीजें जो है ना वो सब खत्म हो गई। जबरदस्त, मेरे जूते इतने अच्छे अच्छे बाहर से जो जूते इतने अच्छे अच्छे मुझे पूरे नहीं आते थे, शूज साइज चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया था मेरा, वेट हो गया था 79 kg। चूंकि मेरी हाइट थी तो शायद सबको फील नहीं होता था, लेकिन मैंने 79 kg में मैंने बहुत सारे प्लेस किए में। अच्छा, अब जब बहुत ही मोटापे वाले वक्त में आपने प्लेस किए हो, वो दोबारा कभी दिख जाए तो कुछ क्या तो मैं खुश होती हूँ वो देखकर। मैं कहती हूँ ये थी, अब मैं ये हूँ। अच्छा देखिए, आजकल बच्चियों में और बच्चों में बहुत ज्यादा ओबेसिटी है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात हेल्थ पे आ जाए सभा जी, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चियां जिनको बचपन से कहा जाता है मोटी हो, वो ना एक अरसे में आके उनको जिद बन जाती है, वो कहते हैं मैंने खाना है। मैंने इतनी सारी बच्चियां देखी हैं सैलून पे आती हैं, वो कहती हैं कि राबे आपी बचपन से ना हमें मोटी कह के इतना बुलाया, एक्सप्रेस का बल्कि शायद एक ड्रामा भी है ओए मोटी, कहते इतना हमें बोला कि अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं वो नूडल्स छोड़ूं या ब्रेड छोड़ूं या आइसक्रीम छोड़ूं, मैं जिद में खाती हूं। आपको पता है हर बात के ना दो रिएक्शन होते हैं, या तो आप बिल्कुल ऑफेंड हो जाते हैं या फिर आप सोचते हैं कि ये किया, ये हुआ है लेकिन अब मैं इसको नफी करूंगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। लोग रिश्ते के लिए मना कर देते हैं कि लड़की मोटी है। हाँ, मोटापा और डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये तो पता नहीं क्या, एक दोनों चीज। ओए मोटी की आप बात कर रहे हैं, अभी लास्ट वीक में मेरा ही चला था। अच्छा, ओए मोटी। ओके, तो उसमें वाकई वो जो
बॉडी सूट पहनने के बाद जो जिस तरह चलना बैठना, तो मैं 10 दफ़ा फील किया मैंने कि जिनको ये प्रॉब्लम है मोटापे की, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और आपको उनको कितना सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा आसान है कि आप हर्ट ना करें किसी को। अच्छा, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और भी सबजी प्रॉब्लम है, हम शादियों में मिले कहीं भी मिले सबसे पहले कहते हैं मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो। सबसे पहला लफ्ज क्या होता है? अल्लाह कितनी स्मार्ट लग रही, क्या किया तुमने। अच्छा, ये अच्छा लगता है, लेकिन उसी बंदी को अगर आप 2 महीने बाद कहें तुमने मुझे लगता है वेट गेन कर लिया, तो उसका बिल्कुल दिल छोटा सा हो जाएगा। बातें और नहीं रह गई ना कोई, ये रंग बड़ा उतर सा गया है, क्या हुआ है तुम, क्या बहुत धूप में बैठी हो, तो दिल खराब हो जाता है। इवन आप रमजान में भी, आजकल भी आप कहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं अल्लाह वेट और कम हो गया रोजे की वजह से ना। अरे रमजान को भी आप वेट के साथ वो कर रहे हैं। रमजान तो भाई बहुत, काफी सारी लड़कियां प्लान करती हैं कि रमजान में वेट जो है ना वो करना चाहिए, बॉडी का डिटॉक्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि भाई सिर्फ वेट ही कम करना है, लड़कियां डिटॉक्स करना चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए। आपके क्लिनिक में डॉक्टर बिल्कीस कितने मसले आते हैं ऐसे, रंग गोरा कर दे डॉक्टर बिल्कीस, इंजेक्शन लगा दे कोई हमें। नहीं, इंजेक्शन वाले नहीं, मेरे सैलून में खातून आई, उन्होंने कहा मुझे फहद मुस्तफा वाला इंजेक्शन लगाया। ये किसने लोगों में बताया है, कहां से अफवाह चली है? बहुत आते हैं इस तरह, फहद मुस्तफा वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा फहद को इसी शक्ल के साथ देखा है। ये किसने अफवाह उड़ाई है कि फहद मुस्तफा ने कोई इंजेक्शन लगाया है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग मुझसे भी ये कहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि देखें, आप अच्छा खाएं, इंटरनली डिटॉक्स हो, और ये इंजेक्शन वगैरह का स्कूल ऑफ थॉट से मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा खाओगे वो अच्छा। रंगत मैंने आपको हमेशा देखा, आप कहती है रंगत साफ हो जाए, जो रंगत है वो तो वैसी ही रहेगी, और ये मोटापे वाला मेलानिन को आप जितना भी सप्रेस करेंगे कब तक उसको सप्रेस रखेंगे? जो अल्लाह ने आपको दिया है वो वापस आएगा। ये इंजेक्शन ऐसे हैं कि जैसे आपने शुगर मेंटेन करनी है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, इस तरह आपने ये इंजेक्शन ग्लूटाथियोन के मेंटेन करना है, आपने लगाते रहना है ताकि। लेकिन वाकई इससे रंग गोरा हो जाता है? देखिए, क्योंकि है तो किसी और चीज़ के इंजेक्शन है, कैंसर वगैरह के कुछ चीज़ के मैंने सुना। एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, लीवर डिटॉक्स करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेलानिन सप्रेस करना, आपको ये पूरी ज़िंदगी लगाते रहना पड़ेगा। अगर आपने कहीं छोड़ा, और दूसरी एक मैं बात बताऊँ, आपका अगर अपना शेड है ना, वो कितना तक सप्रेस हो सकता है? उसी तक। अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो ब्राउन के शेड में आ सकता है। बिल्कुल चेंज तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो मैं अपने पेशेंट को जो बात बोलती हूँ या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अगर ऐसा हो तो पूरा बरे सगीर ग्लूटाथियोन में ही नहा जाए, जो अफ्रीका है। अल्लाह ताला ने जो रंग दिया है ना, वो किसी वजह से दिया। अल्लाह ताला ने आपको जैसा पैदा किया है उसी रंग में आपसे मोहब्बत फरमाई है जी। और अल्लाह ताला ने ना रंग देखना है ना कोई और चीज देखनी है, अल्लाह ताला ने देखना है आपके आमाल। और फिर हजरत बिलाल हबशी का सबको पता है, जिनकी वजह से सूरज ने निकलने से इनकार किया या वो डिले हो गया, तो क्या उस सूरज ने रंगत देखी थी, उस सूरज ने क्या देखा था? तो हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी शख्सियात एग्जाम्पल्स गुजरी हैं कि हम तो मोहब्बत करें जैसे हम बनाए गए हैं। लेकिन फिर वही बात, जब हेल्थ के ऊपर बात आ जाए, यानी ओबिसिटी की तरफ आप जाने लगें, आपको लगे कि आप अनहेल्दी हो रहे हैं, तो फिर आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। आपने सिर्फ इसलिए नहीं पतला होना कि जी मैं साइज़ 0 हो जाऊं या मॉडल साइज़ में मैं फ़िट आ जाऊं, आपने इसलिए पतला होना है कि आप पतले रहेंगे या आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है भाई, वो उठने बैठने में वो कहते हैं जी हमारे घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं, उठा नहीं जा रहा, तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। अच्छा, एक और बात करूँगी कि हमारे माशरे की एक बुराई हो गई, लोग क्या करते हैं कि शादी के लिए पतला होना चाहते हैं और वो क्रश डाइट पे चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं नेट से निकालते हैं डाइट और करने लग जाते हैं, उसके बाद वो बेहोश होने लगते हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। आप किसी डाइटिशियन के पास जाएँ। सबसे पहली बात राबिया आपकी कि आप जो है ना अपने लिए जो भी करना है आप कीजिए, ये नहीं कीजिए कि रिश्तों के लिए आप जो है ना पतले हो रहे हो। जो रिश्ता लेकर आ रहा है उनसे मेरा एक सवाल है कि आपका बेटा भी ऐसा ही है? वो भी सूरज है, उसके लिए आपको चांद की जरूरत है? तो देखें, आप अपनी बेटी को देखें, क्या आपकी बेटी का रंग भी इतना साफ है कि आप बहू जो है ना चांद जैसे लाना चाह रहे हैं? ये माशरती बुराई, ये जो हैमर है ये ख़त्म हो जाए तो हमारा माशरा सुधर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है कि जब
किसी की लड़की देखने जाएं तो घर से अपना लड़का देख के निकलें, खुद को भी देखें, बेटी को भी देखें। बिल्कुल ऐसे। और ये हर चीज में सिर्फ शक्लो सूरत में नहीं है। वो कहते हैं जी बहू ऐसी हो, और वो बेटा जाए ना कमा रहा हो ना कुछ कर रहा हो, कहते नहीं जी बहू हमें इस तरह की चाहिए, डॉक्टर बहू चाहिए, चाहे शादी के बाद उसको काम ना करने दें। तो थोड़ा सीधे हो जाएं आप लोग, ठीक है? तो हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, सबा जी यहीं पर है, शेफ जलाल यहीं है, डॉक्टर बिल्कीस के टोटको पर भी जाएंगे, जेर जबर पेश भी अभी होना है, ये सब कुछ एक चुन्ने मुन्ने से ब्रेक के बाद। यहाँ पर दोनों जो हमारे कंटेस्टेंट हैं अपनी रेसिपीज बना रहे हैं, एक को मिला है तवा और एक को मिला है फ्राइंग पैन, तो देखते हैं कि कहाँ पहुँचती हैं इनकी रेसिपीज। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे प्यारा रमज़ान में। खूबसूरत फाउंटेन के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी की, और इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना छठा रोज़ा अफ्तार कर लिया है। डॉक्टर बिल्कीस इतनी तेज़ी से कि पहला अशरा गुजर रहा है, 15 दिन शुरू के थोड़े मुश्किल से, यानी कि थोड़े स्लो गुजरते हैं, और फिर कहते हैं सीढ़ियाँ उतरने के जब शुरू होते हैं तो बहुत स्पीड से, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये अभी बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। और कराची में मौसम भी बेहतर है, शुरू के दिनों में कुछ बारिश हुई और अब कल से मेरे ख्याल में दोबारा बारिश की पेशन गोई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छठा रोज़ा आज हमने अफ्तार किया, और अब हमने अपनी अफ्तारी की है द किचन मास्टर सीजन 2 के आज के जो दो कंटेस्टेंट थे उनके बनाए हुए खाने से, जिसके ऊपर कॉमेंट्स आज जो पूरी डिश के लुक के ऊपर भी कॉमेंट है वो आप अभी देंगे क्योंकि पहले मौका नहीं मिला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सादिया और कुरतुलैन। अच्छा जी, आज सादिया और कुरतुलैन जिस तरह से आप दोनों ने स्टार्ट किया और जितना कॉन्फिडेंट कुरतुलैन थी और जितना कॉन्फिडेंट आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज किया हुआ था, घबराई हुई थी सादिया ने, घबराई भी थी उस हिसाब से, और पहले कुरतुलैन ने जो है अपनी रेसिपीज दोनों कंप्लीट कर ली और सादिया ने थोड़ा टाइम लगाया बट हो गई। तो बलोची तिक्का कढ़ाई प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो दोनों ने पोस्टरिंग बहुत अच्छी लेके चले प्लेट के अंदर, इवन के आपने जो सैंडविचेस, जो कुकी सैंडविच, बिस्किट सैंडविचेस है ना ये, तो आपने इसमें जो पोटैटो का जो आपने मैश बनाकर स्टफ़ किया, अगर वो थोड़ा सा टेम्परेचर लूज़ होकर स्टफ़ होता तो शायद बिस्किट का क्रस्ट जो है ना वो फील आता, तो इस वक्त बिस्किट आपके सोगी हो गए, नरम हो गए बिकॉज के वो पोटैटो जो था आपका जो मैश जो आपने किया वो गरम आपने उसमें जी वो टाइम के शॉर्टेज, हाँ टाइम की वजह से आपने उसको स्टफ किया और वो सोगी हो गए। और जो इस पे आपने ये फ्राइड वर्मसेलीज आपने लगाई है विद टोमेटो सॉस, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन दोनों की बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन के इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स। अब आ जाए टेस्ट पर और शुरू करते हैं हम टेस्ट बलोची तिक्का कढ़ाई से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बलोची तिक्का कढ़ाई मैं कहूंगा कि 7 out of 10, ठीक है इस पर आ जाएं, और 6 out of 10, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जब शुरू में इन्होंने टार्ट कहा था रेसिपी को, और जब मैंने इनसे कहा कि टार्ट है कि कीश है, तो शायद ये घबराई हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि कीश है, बट ये कीश नहीं है, टार्ट ही है, ये टार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। कीश होता है एग बेस्ड और वेजिटेबल के साथ, ठीक है ना, एग एंड क्रीम और वेजिटेबल्स के साथ, तो ये टोटल आपने बिल्कुल ये टार्ट आपने बनाया जिसके अंदर आपने वेजिटेबल क्रीम के साथ आपने इसको फिल किया, तो आपका क्रस्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त और ऑन पॉइंट है। और कढ़ाई जो बनाई है इन्होंने मलाई ग्रीन मलाई, आप बताएं कैसी है, आपको दी है ना हमने, मिली है, ट्राई किया, वो मेरे ख्याल से खत्म हो गई है, वो खत्म कर करम भाई ने चट कर दी है, मजाक करो सीरियसली, मजाक करो आप, मजाक करो सीरियसली, मजाक। अच्छा जी तो बताइए, एक मिनट रह गया बिल्कुल आखिरी, कौन जा रहा है आगे और कौन हो रहा है एलिमिनेट? मेरी नजर में सादिया की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और फ्लेवर्स भी ऑन पॉइंट है। सादिया, मैं टार्ट खाने में मसरूफ थी जब ये फैसला हो गया कि आप जाएंगी आगे और कुरतुलैन वी आर वेरी सॉरी, लेकिन सादिया के स्टार्ट ने आज गेम चुक दी है, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। आपके साथ गिफ्ट हैंपर जा रहे हैं भाई, कौन से
कौन से गिफ्ट हैंपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल में लेमन मैक्स का गिफ्ट हैंपर तो जा रहा है, और कोई एक आध और भी हो सकता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेचुरलाइज डॉक्टर बिल्कीज के, नेचुरलाइज का गिफ्ट हैंपर जा रहा है, कैसे भूल सकते हैं हम। आगे रखो भाई, और की तरफ से बिल्कीज साहबा की तरफ से नेचुरलाइज का गिफ्ट हैंपर आपको बहुत मुबारक हो सादिया। आप बहुत माजरत, लेकिन बलूची तिक्का कढ़ाई वाज गुड, लेकिन आपका जो ये था इसने आपको आज हरवा दिया। हम नाज़रीन इकराम आज की इस ट्रांसमिशन के अख्तिताम पर पहुंच गए, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। रोज़ाना जो व्यूवरशिप हमारी ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात प्यारा रमज़ान में ठीक 4 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अल्लाह हाफिज़ नासिर।